हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कंबाइक। गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिले। और अगर आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है। और आप देख, मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इंस्टा पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, अगर आपको मेरे से बात करनी किसी भी रिलेशन में, आपको ड्राइविंग से या मैकेनिकल से किसी भी, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट, उनका नाम जान लेते हैं, क्या नाम है और कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आगेश पवार। कौन सा डेज है आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सैटरडे। 6 डेज हो गए हैं, क्या कॉन्फिडेंस है अभी? कॉन्फिडेंस अच्छा है। अच्छा है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं सिंगल रोड पे कार को चलाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ियों से कैसे बचें। तो अभी आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया है? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो सिंगल रोड पे चलाना टफ है या फिर डिवाइडर रोड पे? सिंगल रोड पे चलाना टफ है। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये निशातगंज वाला रोड है और बहुत बिजी रोड है, इस पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है और मार्केट है, इसी वजह से ट्रैफिक, दोनों साइड पार्किंग भी रहती है, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। तो सिंगल रोड पे कार चलाते वक्त हमें किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों से हम बच सकें और अपनी कार को बचा सकें, सामने वाले को बचा सकें और अपनी कार को आसानी से हम कंट्रोल कर सकें। सो गाइस, इसमें क्या होता है कि जब सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है तो आपको गाड़ी से ज़्यादा ड्राइवर की नज़रों में नज़र मिलानी होती है कि उसकी नज़र कहाँ है ड्राइवर की। अगर आपने पहले से अंदाज़ा ले लिया कि सामने वाली गाड़ी की जो सिचुएशन है उसका मोमेंट क्या है, तो कभी भी गाड़ी आपकी टकराएगी नहीं। कई बार सामने वाला बंदा फ़ोन पे बिजी है या कहीं और उसका माइंड है, तो उसके लिए आप पासिंग डिपर दे सकते हैं। पासिंग डिपर कौन सा होता है चो साहब? ये गुड, पासिंग डिपर दे सकते हैं, जिससे कि सामने हेडलाइट उसके फोकस पे पड़ेगी और उसका अट्रैक्शन एकदम आपकी तरफ आ जाएगा। फाइनली राइट रखो, हल्का लेफ्ट में रिक्शा है। और सामने से जब भी कोई गाड़ी आए, आपको लगे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो थोड़ा सा पहले ही गाड़ी स्लो कर लें, ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। हल्का लेफ्ट आ जाओ, हाँ जाने दो, धीरे धीरे पहले गियर में करो इसको, पहले गियर में जाओ, धीरे धीरे बढ़ा लो स्पीड, काफ़ी ट्रैफिक है, आगे जाओ जाओ। हाफ क्लच छोड़ने के बाद आप एक्सेलेटर दिया करो। आप पता क्या करते हो, एक्सेलेटर पहले देना स्टार्ट करते हो तो क्लच बाद में रिलीज़ करते हो, तब तक गाड़ी साउंड करने लगती है, मगर बात का एक्सेलेटर बढ़ जाता है। जब आप हाफ क्लच रिलीज़ करने के बाद क्लच को उसका एक्सेलेटर देंगे तो गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाएगी, फिर गाड़ी बढ़ेगी, एक्सेलेटर साउंड नहीं करेगा, समझ रहे हैं? जाने दीजिए, बढ़ाइए स्पीड, फटाफट स्पीड बढ़ाइए, क्लच दबा के सेकंड गियर, गुड, जाने दो। और मैंने क्या कहा है, जब गियर चेंज किया करो तो राइट वाला हाथ कहाँ होना चाहिए? 12 क्लॉक पे, जो वॉच टाइम होता है ना घड़ी का, वो 12 क्लॉक, ताकि ये गाड़ी आपकी लहराए ना, जैसे अभी लहरा गई थी जब आप गियर चेंज कर रहे थे तो एकदम से बाएं साइड भाग गई थी, हाँ वो वहाँ पे राइट वाला हाथ बीचों बीच में, हाँ यहाँ, और टाइट नहीं करना, सिर्फ गदेली से इसको टच करना है, उसको ग्रिप नहीं बनाना, मुट्ठी नहीं बांधना है, ठीक है? जाने दो धीरे धीरे, राइट को स्पीड कम, गुड। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि सिंगल रोड पे थोड़ा चलाना टफ रहता है, और बाकी सिंगल रोड पे अगर आपने कार चला ली है तो आप कभी भी डिवाइडर रोड पे आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि टफ होता है सिंगल रोड पे ही। डिवाइडर रोड पे कोई टफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइडर रोड पे भिड़ने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं, तो इसलिए डिवाइडर रोड पे खतरा नहीं रहता है। यहाँ से हम लोग चलेंगे लेफ्ट, मेन रोड से लेफ्ट चलेंगे, जाने दो धीरे धीरे, गुड। अभी चौराहा आ गया है खुरम नगर, यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है मेन रोड से, टर्निंग से 100 मीटर पहले आपको सिग्नल देना है, हाँ बढ़ा लीजिए थोड़ा सा स्पीड, और अपना लेफ्ट ही रखिएगा, जितना लेफ्ट रखेंगे स्टीयरिंग थोड़ी दूरी बना के पकड़िए, पास में बहुत पकड़ते हैं आप, हाँ हल्का रेस लो, हल्का रेस के साथ टर्न करना है, लेफ्ट काटो, चलो पूरी फुल काटो लेफ्ट, हाँ फुल 90 डिग्री से, जाने दो फुल, गुड वेरी गुड। राइट देखो, सामने कार आ रही राइट में, हाँ देख रहे हो चारों तरफ से गाड़ी का बैंड बजा पड़ा है, हर जगह डेंट है, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ गुड। स्टीयरिंग को बहुत लाइटली लेना, आप कई बार ना ताकत ज़्यादा लगा देते हो, इसलिए आपकी स्टीयरिंग लहरा जाती है। ये पहला गियर है, पहला चौधरी साहब, पहले न्यूट्रल करो, देखो बगैर क्लच दबाए न्यूट्रल कर रहे थे, ये थर्ड गियर है, देखा आपने भी वही गलती करी ना, गियर को इतना ज़्यादा हार्ड पकड़ लिया था जिसकी वजह से वो थर्ड की डायरेक्शन पे जा ही नहीं पाया। गियर सेकंड से निकालते उसको छोड़ दो गियर को, और जहाँ छोड़ दोगे बस वो जिस जगह रुक जाए बस हल्का सा इशारा करके ऊपर कर दो। सबसे आसान गियर होता है थर्ड और फोर्थ, सबसे आसान गियर होता है,
जाने दो धीरे धीरे, और स्टीयरिंग को जितना लाइट पकड़ोगे ना उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, पीछे गाड़ी भी है आपके, और ये चीज़ थोड़ा दूर से जजमेंट करना है। अचानक आप वहाँ पहुँचे, उसने अचानक राइट काट दिया, आपने राइट काटा, तो आपके राइट से जो गाड़ियाँ निकल रही होंगी उनको दिक्कत हो जाएगी, फिर वो समझ नहीं पाएंगे और गाड़ी जाएगी टकरा आराम से। हाँ गुड ऑन, अगले चौराहे से राइट जाना है हमें, अभी अपनी गाड़ी राइट दबा लो, अब सिग्नल दो राइट का नीचे को, गुड, ताकि वहाँ जाके लाइन चेंज ना करना पड़े। कभी भी अगर आपको लाइन चेंज करना तो 100 मीटर बिफोर लाइन चेंज कर लो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आसानी से अपनी साइड में आ जाएगी। अब गियर स्पीड कम करो, पहले ब्रेक से स्पीड कम करो, ब्रेक से, हाँ अभी क्लच दबा के गियर आपको चेंज करना, अभी जाने दो, हाँ पूरा फुल क्लच दबाओ, राइट काटना है, यहीं से राइट चलना है, डियर राइट राइट, हाँ राइट राइट, पहले गियर में करो इसको, अब पहले गियर में करो, जाओ अब बढ़ाओ धीरे 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 धीरे, खिसकाना है अभी धीरे 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 धीरे, हाँ जाओ 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 जाओ, रेस लो हल्का, हाँ चलो जाओ धीरे धीरे, हाँ धीरे 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 खिसकाओ खिसकाओ खिसकाओ, बस इसी फ्लो में निकल जाओगे, इसको जाने दो डिज़ायर वाले को, हाँ जाने दो जाने दो, जाओ 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 जाओ, सीधी करो सीधी करो, स्टीयरिंग सीधी करो सीधी करो, और सीधी करो और सीधी करो और सीधी करो, अब देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है यहाँ। अब गाड़ी आपकी धीरे धीरे राइट भागी जा रही थी, राइट में बाइकें खड़ी थी, तो आपको क्या करना था, तुरंत लेफ्ट दबाना था, तो लेफ्ट दबाने में आपने समय लगा दिया। कुछ चीज़ें ना स्टीयरिंग से ही सेट हो पाएंगी, क्लच ब्रेक का वहाँ पर रोल ही नहीं रहता है। ये है दोस्तों कंचना बिहारी मार्ग, अगर इस रोड पर आपने कार चला ली तो समझ लो आपने एकदम दिल्ली के चांदनी चौक में और लखनऊ के अमीनाबाद में कार चला ली। बहुत बिजी रोड है, दोनों साइड मार्केट बनी है, और बहुत पतला रास्ता है, और बहुत ही, देखो ध्यान दो सामने रिक्शे वाले को, हाँ राइट दबा के निकालना है, जाओ राइट दबाओ चौधरी साहब, राइट दबाओ, राइट और राइट और राइट, बस आ जाओ आप, स्टीयरिंग पास पकड़ लेते हो, कई बार आपके हाथ दोनों बहुत राइट रखो, राइट राइट काटो काटो राइट, स्कूटी में लड़ जाएगी, हाँ लेफ्ट आओ, आप स्टीयरिंग ना बहुत ज़्यादा पास पकड़ते हो, जैसे बाइक चलाते हो ना 3 और 9 पकड़ के, उस टाइप से इसको भी पकड़ना है। स्पीड बढ़ाइए, क्लच दबा के सेकंड गियर, राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे आया था, नहीं आया, क्यों भाई नहीं आया, जब वही चीज़ खतरे की घंटी है और वही आप गड़बड़ कर रहे हो बार बार, ठीक है लेकिन नहीं नहीं वही, अरे तो फिर उठा तो लोगे, लेकिन जब फिर ब्रेक दबाना होगा तब कैसे करोगे, तो रेस दब जाएगी, आप सोचोगे ब्रेक दबेगा रेस, तो रेस दबने के बाद क्या होगा, फिर स्पीड कम, हाँ जाने दो धीरे धीरे, हल्का राइट रखो, राइट स्पीड बढ़ाओ और राइट रखो, राइट रखो हल्का राइट, स्पीड कम, लेफ्ट आओ स्लो, राइट रखो राइट राइट हल्का राइट राइट, हाँ लेफ्ट आओ लेफ्ट आओ, राइट रखो राइट 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 राइट, स्पीड बढ़ाओ धीरे धीरे, गुड जाने दो धीरे धीरे। सो गाइस ऐसे रोडों पे कार चलाना थोड़ा टफ रहता है, और अगर आपने ऐसे रोडों पे कार को चला लिया है तो बहुत ही आसानी से आप जगह जगह अपनी गाड़ी को ले जा सकते, चाहे वो सिंगल रोड हो स्पीड कम, चाहे सिंगल रोड हो, चाहे वो डबल रोड हो, चाहे डिवाइडर रोड हो, चाहे वन वे रोड हो, ऐसे में आप बहुत आसानी से अपनी कार को कंट्रोल कर पाएंगे। और तेज चलाना कोई कला नहीं होती, जितना स्लो चलाएंगे उतनी बारीकियां समझ पाएंगे, उतना आसानी से आप अपनी कार को कंट्रोल कर पाएंगे। यहीं से राइट जाना है, सिग्नल दो, जो ऑटो खड़ा, लॉन्ग हॉर्न पुश करो उसको, लॉन्ग स्लो करो, पहले गियर में करो गाड़ी को, हाँ आगे बढ़ाओ, जाओ हॉर्न मारो उसको, लंबा हॉर्न काटो, राइट धीरे धीरे, हाँ राइट काट के फिर इनको उतार देना, शिवम को राइट काटो, और हाँ सीधी करो ना, उधर रिक्शा में टकरा जाएगी, सीधी करो फटाफट, हाँ लेफ्ट आओ हल्का, देखो चौ साहब आपके हाथ देख रहे हो, ये हाथों की वजह से गड़बड़ तो आप बार बार कर रहे हो, रुको पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, सीधी करो सीधी सीधी, चलो चलिए शिवम भाई, चलो भैया वेलकम, आप हाथ की वजह से तो आपकी स्टीयरिंग लहरा जा रही है, चलो बढ़ाओ जाओ, हल्का रेस लेके जाओ, हल्का सा रेस, जाओ रेस लो हल्का, राइट काटो थोड़ा सा, बस वापस आओ, और स्टीयरिंग को ना बहुत लाइटली लेना, आप पता है पहलवानी वाले हाथ दिखाने लगते हो, बस वही तो दिक्कत हो रही है,
ज़रूरत से ज़्यादा ये पावर स्टीयरिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग होती है वो है, ये बहुत स्मूथ है। यहाँ से राइट जाना है सीधा। सो गाइस, आपने देखा ये कल्याणपुर एरिया, और इस एरिया में अगर आपने कार को चला लिया तो बहुत आसानी से आप कार को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हैं। और अगर नया कोई स्टूडेंट है और उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि उसको स्टार्टिंग में 2 से 3 डेज़ 4 डेज़ गलियों में चलाना चाहिए, छोटी छोटी गलियों में। वहाँ पे क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ आपका स्टीयरिंग का कमांड आ जाता है, बार बार स्टीयरिंग को टर्न करना, सीधा करना, किस डायरेक्शन पे स्टीयरिंग जा रहा है। सेकंड चीज़ कि आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड, बार बार एक्सेलेटर से ब्रेक पे पैर लाना पड़ता है, और ब्रेक भी लेना पड़ता है, हॉर्न भी देना पड़ता है, सिग्नल भी। तो ऐसे में क्या, सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है हर चीज़ की, तो फिर दिक्कत नहीं आती। उसके बाद तो आप कभी भी कहीं भी गाड़ी चलाएं, मेन यही होता है जो आपका एक्सेलेटर से ब्रेक और ब्रेक से एक्सेलेटर का कम्युनिकेशन और स्टीयरिंग का कमांड, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब आसानी से आप सीख जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट जाना, तो उसके बाद आपको दिक्कत ही नहीं आएगी टर्निंग पे, ब्रेक पे पैर आसानी से, बहुत ध्यान से। हाँ, टर्न करो, गुड, फुल हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न, जाने दो, थोड़ा राइट रखो, लंबा हॉर्न मारिए, बस स्लो करो, राइट रखो, राइट काटो, अब लेफ्ट आओ, फटाफट जाने दो, हाँ हल्का, हाँ अब यहाँ से लेफ्ट चलना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, आगे जाके थोड़ा, हाँ हाँ, टर्न करो लेफ्ट, काटो, हाँ कटी रहने दो, अब सीधी करो, सीधी। अब देखो चौ साहब, यहाँ पे आपका पैर, मैं भी नोटिस कर रहा था, एक्सीलेटर पे फुल टाइम था नहीं था, अभी चढ़ाई पे एक्सीलेटर की ज़रूरत थी, यहाँ बिना एक्सीलेटर चढ़ जाती है, चढ़ाई पे थोड़ा ये था ना, कभी बंद हो जाए, नहीं बंद होगी, मैं वही चीज़ तो समझाना चाह रहा हूँ आपको। हॉर्न दीजिए, हल्का राइट, ये 4 बार टेंटे करके ना बजाया करो, राइट रखो, एक लॉन्ग हॉर्न बजाया करो, सीधा जाना है, लंबा हॉर्न मारा करो, ठीक है, यहीं से राइट, सिग्नल दो राइट का, हॉर्न मारो, हाँ आराम से काटो, राइट हॉर्न देके फुल काटो, गुड, सीधी करो, बढ़ा लो स्पीड, बढ़ा लो, हॉर्न, अगले मोड़ से लेफ्ट स्लो करके, लेफ्ट हॉर्न, गुड, टर्न करो, काटो फुल, हाँ फुल, सीधी करो फटाफट, यहाँ से फिर राइट जाना, सिग्नल दो, अब हल्का रेस लो, हल्का सा, हाँ अब राइट काटो, गुड, सीधी करो, सीधी करो, हाँ ये स्टीयरिंग का ध्यान रखा करो कि कितने राउंड काटें और कितने सीधे करें। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। सीधा जाना है आगे, टी पॉइंट से राइट।